Hello young champs welcome to magnet brains my name is Tess Anajos and we are going to start off with a new poem today and your what is the name of your poem Hiawatha it is not Hiawatha Hia it's Hiawatha and it's written by H W Longfellow H W Longfellow you can find a lot of poems written by H W Longfellow he is a very famous poet. एक बहुत ही फेमस पोइट थे वो एंड उनके बहुत सारी पोएम्स आपको मिल जाएंगे हाँ वाता का भी एक छोटा सा पोर्शन ही है आपके पास इट्स अ वेरी लॉन्ग पोएम जो एक्चुअल पोएम है वो बहुत लंबी है ठीक है so, सो हाई वाता कौन था जानते हो ही वॉज अ रेड इंडियन बॉय नॉट इंडियन हम लोग वाला इंडियन नहीं रेड इंडियंस आर अ कम्युनिटी जैसे um, आदिवासी लोग होते हैं ना वैसे रेड इंडियंस करके एक कम्युनिटी थी लोगों की पहले थी अब तो बहुत कम हो गए हैं अब शायद ही कहीं होंगे वो लोग जंगल में रहते थे जंगल में रहते थे ट्रीज़ पे उनके घर होते थे एनिमल्स के साथ रहते थे एंड दे हैड अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशंस बिलीव्स लाइक वो लोग वो लोग के हिसाब से सारे एनिमल्स के पास स्पिरिट होती हैं एंड वो स्पिरिट्स जो हैं वो जंगल में रहने वालों की प्रोटेक्शन करती है सारे जो ट्रीज हैं उनमें कोई ना कोई गॉड होता है ऐसे बहुत सारे बिलीव्स रहते हैं उन लोगों के यू मस्ट सीन टॉम एंड जेरी तो देखते हो ना टॉम एंड जेरी में किसी एक एपिसोड में मुझे याद नहीं कौन सा जेरी एक फेदर्स वाला हैट लगा के यहाँ पे फेस पे ब्लैक मार्क्स करके घूमता है दैट इज़ मोस्ट कॉमन साइन ऑफ रेड इंडियंस उनकी हैट्स ऐसी होती है एक उनका सिर पे एक बैंड एंड देन ऐसे पोका हंटर्स पता है पोका हंटर्स पता है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट ठीक है वो लोग जंगल में रहते हैं एनिमल्स के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रहती है वो उनका हर काम जंगल जंगल में ही होता है ठीक है सो ही वॉज अ रेड इंडियन बॉय लिटिल रेड इंडियन बॉय स्टार्ट अप विद पोएम दिस इज नॉट द पोएम ठीक है दिस इज अबाउट हाईवाता हाईवर वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय ठीक है वो एक रेड इंडियन बॉय था रेड इंडियन इज द कम्युनिटी ही लिव्ड विथ हिस्स ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस नोकोमिस वॉज हिज ग्रैंड मदर उसकी ग्रैंड मदर थी उनका नाम था नोकोमिस इन अ वैम विग वैम क्या होता है इट्स अ टेंट अ क्लॉथ टेंट ऐसा ठीक है दिस इज अग वैम जंगल के लोगों के पास बंगला तो होगा नहीं राइट सो ही यूज टू लिव इन अ विग बैम विग बैम इज अ टेंट अ क्लॉथ टेंट ट्राइंगल शेप के नोकोमिस टॉट हाईवाता अबाउट वंडर्स अराउंड देम. नोकोमिस ने हाईवाता को अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं जितनी भी वंडर्स होते हैं उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज बताई थी शी टोल्ड हिम अबाउट दी स्टार्स द ट्रीज द इंसेक्ट्स दी बर्ड्स दी एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स हाईवाता को नोकोमिस ने अपने आस पास जितनी भी चीज़ें थी उन सबके बारे में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बताया था किस किस के बारे में स्टार्स ट्रीज रिवर्स लेक्स बटरफ्लाईज बर्ड्स एनिमल्स ठीक है इन सब के बारे में नोकोमिस ने हाईवाता को बताया था हाईवाता ग्रू अप टू लव दैम ऑल He could talk to birds and animals and they to him. And जो tha he had a special power. What? He could talk to animals and birds. वो animals and birds से बात कर सकता था वो उनकी बातें समझ सकता था एंड जो एनिमल्स थे वो भी उसकी बात समझ सकते थे है ना स्पेशल पावर ही हुआ सो दिस इज अबाउट हाईवाता दिस इज अबाउट हाईवाता नाउ we'll स्टार्ट ऑफ विद the पोएम देन the little है learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they build their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Haywata's chickens. Of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets. How the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeers ran so swiftly, why the rabbit's, rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hawata's brothers. Right? So that is your poem. Now, can you, did you see that the poems lot of rhyming? Uh, वो सब नहीं है इस पोएम में वाई इज इट्स इट्स एन ओल्ड पोएम द इंग्लिश यूज इन दिस इज़ ओल्ड ठीक है अभी का जो स्टार कार फार ऐसे राइम्स नहीं है इसमें है ना तो पोएम वाली फीलिंग नहीं आ रही बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ एच डब्ल्यू लॉन्ग फिलो ठीक है नाउ वील स्टार्ट ऑफ विद एक्सप्लेनेशन

एंड वो उनसे बात करता था उनकी सारी सीक्रेट्स जान लेता था हाउ दे बिल्ट दे लर्न दे नेम्स एंड ऑल देर सीक्रेट्स सबके नाम रखे हुए थे उसने उनकी बातें पता थी उनके सीक्रेट्स पता थे हाउ दे बिल्ट दे इन समर वो समर में कैसे अपना घर बनाते थे समर में क्यों बनाते थे एंड विंटर में कहाँ चले जाते थे वे दे हिट दैमसेल्स इन विंटर और विंटर्स में ये लोग क्यों छुप जाते थे यू you नो know, कुछ एनिमल्स होते हैं दे समर के टाइम में दे कम आउटसाइड एंड ड्यूरिंग विंटर्स दे हाइबर मतलब विंटर्स के टाइम पे अपनी एनर्जी सेव करने के लिए वो लोग छुपे रहते थे अपना खाना वगैरह सब सेट करके दे हाइड uh, देम और सबसे 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 कॉमन एग्जाम्पल कौन है बेयर अपना भालू होता है ना वो वो समर के टाइम में बाहर आता है विंटर के टाइम में इट हाइबर नेट्स ठीक है सो टॉक् विद डैम वेन एव ही मेट देम एंड जब भी वो इन सबसे मिलता था वो इन सबसे बातें करता था कॉल देम हाईवाताज चिकन कॉल देम हाईवातास चिकन चिकन क्यों मुर्गी वाला चिकन नहीं है ये दिस इज बर्ड्स के बच्चे ठीक है कोई भी बर्ड और उसके बच्चे सो द फर्स्ट पैरागोज लाइक हाईवाता ने नोकोमिस के कहने के बाद सारे बर्ड्स के लैंग्वेज सीखे उसके बाद उसने इन सबसे बातें की उनके नेम्स जाने उनके सीक्रेट्स पता थे उसको उसने इनसे ये पूछा कि वो समर में कहाँ अपने नेस्ट बनाते हैं क्यों बनाते हैं विंटर्स में ये लोग कहाँ छुप जाते हैं एंड एंड टॉक टू देम वेवर ही मेट ओके ये क्या है वेनेर वेर मतलब यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स किए थे सो दिस इज ऑपर so when 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 ever ठीक है जो एफिस्ट्रॉफी है वो वी की जगह पे लगा है सो so, वेन और जब ही ये सब मिलता था उनको क्या बोलाता था हाईवाटाज चिकन मतलब ये सब उसके चिकन से चिकन यहाँ पे मुर्गी का बच्चा नहीं है इट इज एनी बर्ड का बच्चा कोई भी बर्ड का बच्चा ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज लर्न द नेम्स एंड सीक्रेट्स नाउ पहले उसने बर्ड्स की लैंग्वेज सीखी बर्ड्स से मिला बर्ड्स की लैंग्वेज सीखी उनसे बात की नाउ बीस वॉट आर बीस बीस आर एनिमल्स ठीक है उस जगह पे कितने एनिमल्स थे उन सब से भी वो मिला उनसे बात की उनके नाम जाने उनके सीक्रेट्स जान लिए उनकी लैंग्वेज सीख ली हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस बीवर्स पता क्या होते हैं बीवर्स देखे आपने बीवर्स beavers... ये है बीवर्स देखे यहां तो नहीं देखे होंगे मतलब टीवी में आम... या फिर फोन में मतलब नेट में देखा होगा उनके टीथ बहुत शार्प होते हैं ऐसे बाहर खरगोश की तरह बाहर निकले होते हैं एंड वुड को कट uh, करते रहते हैं ये लोग पानी में रहते हैं पानी में मतलब फुल टाइम पानी में नहीं रहते यूजुअली पानी के आसपास ही होते हैं इनके घर ठीक है दे आर स्मॉल रॉडन्स बहुत बड़े बड़े जानवर नहीं है पिद्दू पिद्दू जानवर हैं ठीक है एंड दे ऑलवेज लिव इन अ फैमिली उनकी फुल फैमिली होती है सो हाउ हाउ डू बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस एंड इनकी एक स्पेशलिटी होती है वो घर बनाते हैं अपना घर वाला घर नहीं बट अ स्मॉल एरिया टू स्टे जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट बनाते हैं ना वैसे बीवर्स अपने लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं एंड देयर होम्स आर नोन एज लॉजस रिवर के साइड में लेक के साइड में मछी एरिया में ये लोग अपना घर बनाते हैं एंड दे आर कॉल्ड लॉजेस स्क्ल हाइड है उसमें वो जो छोटा सा भागने भागने वाला चीज होता है ना वो वो जो जो भी स्कूडल जैसा दिखता है उसके हाथ में एक नट uh, uh, होता है ना ऐसा दिस इज एकॉन दिस इज एकॉन ठीक है सो स्क्वेदल अपना एकॉन कहाँ छुपाता है हाउ द रेनडियर्स रैन सो स्विफ्ट रेनडियर्स क्या होते हैं बारा सिंगा बड़े बड़े डियर्स होते हैं उनके बड़े बड़े सींग होते हैं रेनडियर्स के ऐसे आ, पेड़ जैसे पेड़ का ब्रांचेस जैसे ऐसे होते हैं उनके सिर पे। आपने देखे होंगे सो so, ही uh, उनसे ये सीक्रेट भी जान लिया कि ये लोग इतना तेज़ कैसे भाग सकते हैं वाई रैबिट वॉज सो टिमिड रैबिट को देखा है आपने बहुत शर्मीले से होते हैं वो ज़्यादा ऐसे हंगामा करने वाले जानवर नहीं हैं बहुत शर्मीले से चुपचाप रहने वाले हैं ठीक टिमिड मीन्स शाई शर्माने वाला ठीक है टिमिड इज शाई स्विफ्टली स्पीड में बहुत तेज और कोई वर्ड नहीं ना टॉक्ट विथ दैम वेनेवर ही मेट देम वो इन सब से बातें करता था जब भी वो उनसे मिलता था एंड कॉल्ड देम है ब्रदर्स एंड जानवरों को वो क्या बोलता था हाईवाता ब्रदर्स बर्ड्स को क्या बोलता था हैस चिकन्स एंड एनिमल्स को हाईवाता ब्रदर्स ठीक है सो बी ई ए एस टी बीस्ट यहाँ पे एनिमल्स एल ए एन जी यू ए जी ई लैंग्वेज hasha L A N G U A G E AGE language then secret S E C R E T S. S E C R E T S. e TSs TS b verse b e a v e RS b -E -A -V -E -R -S, squirrels sq -R -R -E squirrels

एच आई ए डब्ल्यू ए टी एच ए यहां पे कोई था वर्ड एस यू एम एम ई आर समर वी आई एन टी ई आर विंटर राइट सो दैट वॉज योर पोए हाई वाता मीन्स ही हु मेक्स रिवर हायवाता नेम का मतलब होता है ही मेक्स रिवर्स ठीक है द पोएम इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल रेड इंडियन बॉय हायवाता हु लिव्स विद हिज ग्रैंड मदर ही यूज टू टॉक टू डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट वो फाउंड अराउंड हिम ही यूज टू लर्न देयर लैंग्वेज एंड नो देयर लाइफ स्टाइल ही देन वुड गिव देम न्यू नेम्स राइट सो हायवाता इज यंग रेड इंडियन बॉय है ना छोटा सा रेड इंडियन बॉय है एंड ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर कहा रहता था बिग विग बैम विग बैम राइट ही रहता था एक टेंट ठीक है क्लॉथ टेंट ट्राइंगल शेप में रहते हैं सो वहा रह के उसकी जो ग्रैंड मदर है शी यूज टू टेल हिम अबाउट डिफरेंट वंडर्स अराउंड दम वाई वंडर्स नेचर इज ऑलवेज अ वर है ना सही बात है नेचर में कोई भी चीज़ हो इट इज वंडरफुल ट्री कैसे ग्रीन है इतने लंबे क्यों हैं उनको कैसे पता कि उनको ऊपर की तरफ ही उगना है बर्ड्स जो हैं वो कैसे मैनेज करते हैं सारा दिन अपने आप को सो इट्स ऑलवेज अ वर स्टार्स क्यों चमकते हैं है ना सब कुछ इज अ वंडर सो शी यू टेल हिम अबाउट द डिफरेंट वंडर्स दैट अर फाउंड अराउंड हिम राइट सो um Hayavata had a special power he could understand what the birds say what the animals say he could talk their language so he learned different birds and animals languages he used to talk to them he used to uh, ask for their names he used to ask for their secrets and then he would uh, call them haiwata's chickens and hiawatha's brothers animals were called haiwata's brothers birds were called haiwata's chickens okay understood right so this was your poem that was a simple little poem right uh, it's a different kind of poem liye first time hoga i know this is a different kind of poem but it's a good one so learn the poet's name when you learn the poem okay? so uh, that was all in this poem i will meet you next time with the exercises for this poem till then take care bye-bye